नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ध्रुव क्रिएशन पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा। लौंग का ये अचूक और खास उपाय घर की समस्त परेशानी दिक्कतें तुरंत हो जाएंगी। समाप्त आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, धन खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको जल लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, आपके जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परेशान करते हैं परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिलता है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ऐसा पड़ा हुआ है जिसके चलते आप छोटे छोटे जो काम करते हैं वो काम बनते नहीं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपकी तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 को होगा। इन 9 दिनों के भीतर यदि आप 2 लौंग के वाह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो केवल 2 लौंग का उपाय करने के पश्चात मान के चलिए ना, केवल अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में जान करके आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वेद पुराणों में धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि सही दिन पर क्रिया अनुसार आप लौंग का उपाय करेंगे तो वो कभी भी खाली नहीं होता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है वो माता रानी जी को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता रानी जी की पूजा में लौंग की माला माता रानी जी को पहनाई जाती है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं परंतु इनमें जो सबसे फलदायी नवरात्रि होती है वो होती है शारदीय नवरात्रि, यानी कि ये जो नवरात्रि चल रही है ये शारदीय नवरात्रि है। इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कोई भी व्यक्ति यदि उनकी शरण में है, माता रानी जी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और यदि आप शारदीय नवरात्रि के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और यदि आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज मतलब लौंग का उपाय सही तरीके से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए जीवन के हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, नवरात्रि की हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं ये बहुत ही पवित्र और पावन दिन होते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि लोग नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखता है, कलश स्थापना करता है, चौकी लगाता है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। परंतु किसी कारणवश आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में वेद पुराणों में व्रत के बदले में कुछ ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय और उपाय करेंगे तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है लौंग का विकल्प। यदि आपने माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के उन उपायों इस नवरात्र के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके
किसी भी दिन सही तरीके से कर लिया तो मान के चलिए ना केवल आपके आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव आएगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब आप बीमार पड़े रहते होंगे, आपको सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो आपके घर वाले तुरंत ही आपको 2 लौंग 4 लौंग दे देते हैं और कह देते हैं कि उसको मुंह में दबा करके रखो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो लौंग का उपाय करके ही हो जाती है। दूसरी तरफ यदि आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो जो लौंग का तेल होता है वो बहुत महंगी महंगी दवाइयों में पड़ता है। यहां तक कि बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिनमें यदि लौंग का तेल ना डाले जाए तो वो दवाइयां किसी भी काम की नहीं रहेंगी। दूसरी, यदि तंत्र शास्त्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पता चलता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही माहौल पर किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गया, दिवाली हो गई, दुसहरा हो गया, ऐसे पवित्र दिनों पर, ऐसे पावन दिनों पर यदि आप लौंग का उपाय करेंगे तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो यदि आपने इस चल रही शारदीय नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से कर लिया तो साक्षात आपको जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी और आपको अपने जीवन के समस्त तरह की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता रानी जी की जय माता दी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस शारदीय नवरात्र के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं वो आपकी राशि के अनुसार हम आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन से उपाय को किस मुहूर्त पर करना है इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है धन प्राप्त महा उपाय। मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में पहले धन के कई तरह के रास्ते खुले हुए थे, परंतु अब आपके जीवन में हर रास्ता बंद होता हुआ चला आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। परंतु अभी भी नवरात्रि के 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और ये उपाय यदि आपने एक भी दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया जैसा हम बता नहीं रहे हैं, तो माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे बल्कि धन संबंधित हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब ये उपाय आपको कैसे करना है, बहुत ध्यान से कहीं पर लिख लीजिए। नव के किसी भी दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको नहाना है, धोना है, आपको एक घी का दीपक लेना है, आपको लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहनने हैं? माता रानी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आप बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आपको क्या करना है? आपके घर पर जो भी पूजा घर है
यहाँ पर माता रानी जी की कला चित्र है, वहां पर आपको बैठना है, यहाँ पर आप बैठ जाइए। आपने घी का दीपक लिया है, घी का दीपक को जला दीजिए। एक लाल कपड़ा भी चाहिए, लाल कपड़े पर कुछ चीजें आपको रखनी है, जैसे 21 लौंग मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 21 लौंग, एक मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए, पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब घी का दीपक जलाइए और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए, और आपको ये पोटली हाथ में पकड़ने के पश्चात 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक जो 10-12 रुपए की मिलती है वो खरीद लाइए और उसी से पढ़ना है आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ। अब ये जो पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी, इसको आप अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा, रुपया, चांदी रखते हैं, वहां पर दर्शित दिशा में रख दीजिए। केवल इतना उपाय ऐसी नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा, और ये पोटली माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके ऊपर कोई दोष होगा, जिसके वजह से आपके ऊपर धन नहीं आ रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करती रहेगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। उपाय है घर की दरिद्रता को खत्म करने का महा उपाय दोस्तों। यदि आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक चुकी है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह होता है, तो समझ जाइए आपके घर पर नेगेटिव शक्तियों का वास है, और जिस घर में भी नेगेटिव शक्तियों का वास होता है उस घर की ना बरकत होती है, उस घर की ना उन्नति होती है। परंतु अभी नवरात्रि को समाप्त होने में 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, आप नवरात्रि के प्रत्येक दिन ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और ये उपाय यदि आप करते हैं नवरात्रि के दिन, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपको क्या करना है, नवरात्रि के प्रत्येक दिन शाम के वक्त नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, आपको एक घी का दीपक लेना है, घी का दीपक ले लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए। माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है, जाइए घी का दीपक जलाइए, 2 लौंग को हाथ में पकड़ने के पश्चात 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के पश्चात 2 लौंग को आपको जलते दीपक में डाल देना है। केवल यही उपाय इस नवरात्रि के प्रत्येक दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको करना है, और इतना उपाय करने भर से आपके घर की हर नेगेटिव शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में ये पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। यदि आपके घर पर कोई बहुत बीमार पड़ा हुआ है, आप मान लीजिए आप ही बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं, या जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है उस पर लाखों रुपया आप लोगों के खर्च हो चुके हैं, परंतु वो व्यक्ति सही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, परंतु ये नवरात्रि के किसी भी शनिवार को या मंगलवार को करना है। देखिए अभी नवरात्रि समाप्त होने में समय है और अभी शनिवार का दिन जरूर पड़ेगा, तो इस शनिवार को आपको क्या करना है, शनिवार को आपको लेना है 7 लौंग, 7 लौंग लीजिए और एक चमेली के तेल का दीपक लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ना सरसों के तेल का, घी का दीपक, आपको केवल चमेली के तेल का दीपक लेना है। आपको क्या करना है देखिए,
7 लौंग आपने ले लिए नवरात्रि के शनिवार के सूर्यास्त के दिन, आपको क्या करना है कि 7 लौंग लेने के पश्चात उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से इस लौंग को बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए। अब ये दीपक लीजिए और ये 7 लौंग लीजिए और घर के पास कहीं भी मंदिर चले जाइए। हनुमान मंदिर जाने के पश्चात ये चमेली के तीर का दीपक जलाइए और चमेली के तेल का दीपक जलाने के पश्चात ये लौंग को अपने हाथ में पकड़िए। हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार कीजिए, क्योंकि 108 नंबर हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ओम हनुमान, हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। अब यही 7 लोगों को जलते दीपक में डाल देना है। इतना उपाय आप किसी भी शनिवार को कर लीजिएगा इस नवरात्रि के, और वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि माता रानी जी का उसको आशीर्वाद मिलेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।